तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व के टॉप 10 सबसे ताकतवर रेसलर्स की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम उन 10 रेसलर्स की बात करने वाले हैं जो कि WWE में सबसे ज्यादा ताकतवर है और जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। स्पेशली दोस्तों इनके अंदर हम एक्टिव रेसलर्स को ही लेंगे, हम उन रेसलर्स को नहीं लेंगे जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस इस लिस्ट में नंबर 10 के ऊपर आते हैं बिगी। तो बिगी न्यू डे की जान है और बिगी के बारे में बताऊं तो दोस्तों वो लगभग 1000 किलो की पावर लिफ्टिंग करते आए हैं और लगभग 550 पाउंड तक की दोस्तों उन्होंने बेंच प्रेस मार रखी है। और बिगी के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिगी को देखकर लगता ही है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, नहीं तो दोस्तों न्यू डे इतनी बड़ी टीम कैसे बनती, क्योंकि दोस्तों उनका जो मसल है, उनकी टीम की जो मसल है वो बिगी ही है और वो उनकी टीम को काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाती है, इसलिए वो आते हैं नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 के ऊपर चलते हैं दोस्तों। नंबर 9 पर आते हैं द मॉन्स्टर केन। तो एक समय था कि केन विश्व के टॉप 10 रेसलर्स की लिस्ट में नंबर 2 या फिर 3 पर आते थे, लेकिन समय की मार सभी को लगती है, केन की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन बीती रॉ के अंदर हमने जो उनका रिटर्न देखा, हमें पता चल गया कि केन अभी भी कितने ज़्यादा शक्तिशाली है। केन को आपने पास्ट में बिग शो और मार्क हेनरी जैसे सुपरस्टार्स को चॉक स्लैम लगाते हुए देखा है, तो आप समझ चुके होंगे कि केन आज भी उतनी ही शक्ति रखते हैं और वो आते हैं नंबर 9 के ऊपर। लेकिन अब हम चलते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 पर आते हैं सिजारो। तो सिजारो इकलौते ऐसे सुपरस्टार है इस लिस्ट में जो कि अभी तक किसी बड़े टाइटल के लिए यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फाइट नहीं किए हैं, उनकी बदनसीबी है। लेकिन दोस्तों सिजारो काफ़ी शक्तिशाली सुपरस्टार है और उसका एग्जाम्पल वो हर फाइट में देते आए हैं और देते रहते हैं। जब वो चक्री सी बना देते हैं सुपरस्टार्स की और एक तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और इसीलिए स्विस सुपरमैन आते हैं नंबर 8 के ऊपर। लेकिन अब हम चलते हैं नंबर 7 के ऊपर और नंबर 7 पर आते हैं बिग शो। तो बिग शो क्यों है ताकतवर बताने की जरूरत नहीं है। बिग शो ऑब्वियसली एक जायंट है, एक ट्रू जायंट है और शायद ही WWE में कोई ऐसा रेसलर रहा होगा जिसे बिग शो ने नहीं चका होगा। अमूमन दोस्तों वो रेसलर्स को उठाकर पटक देते हैं। एक बारी उन्होंने ब्रॉक को ऐसे फेंका था मानो वो 10 साल का बच्चा हो और इसीलिए दोस्तों बिग शो हमारी इस लिस्ट में आते हैं नंबर 7 के ऊपर। लेकिन अब हम चलते हैं नंबर 6 के ऊपर और नंबर 6 पर आते हैं द फीनोम अंडरटेकर। तो अंडरटेकर जो है वो 50 की उम्र को पार कर चुके हैं और 50 की उम्र एक रेसलर की रिटायरमेंट की उम्र होती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी जो अंडरटेकर है वो अपने प्रतिद्वंदी को टूमस्टोन लगा रहे हैं, चाहे वो ब्रॉक लेसनर क्यों ना हो, चाहे वो रोमन रेंस क्यों ना हो, भारी से भारी रेसलर जैसे कि गोल्डबर्ग को टूमस्टोन लगा चुके हैं और इसीलिए दोस्तों द फीनोम अंडरटेकर आते हैं इस लिस्ट में नंबर 6 के ऊपर। लेकिन अब हम चलते हैं नंबर 5 के ऊपर और नंबर 5 पर आते हैं दोस्तों बिल गोल्डबर्ग। तो गोल्डबर्ग की स्ट्रेंथ आप सभी लोग जानते हैं, गोल्डबर्ग को हमेशा से ही उनकी ताकत और इंटेंसिटी के लिए जाना गया है। 90 के दशक की बात है, एक बारी गोल्डबर्ग ने जैक हैमर लगा दिया था बिग शो को और उस वक्त लोग काफ़ी ज़्यादा पागल हो गए थे चीज़ देखते हुए, क्योंकि उस वक्त बिग शो अपने पीक पर थे, उनका वेट लगभग 480 पाउंड था और जैक हैमर लगाने के साथ ही उन्होंने अपना नाम इस लिस्ट में सदा सदा के लिए अमर कर दिया और इसीलिए वो आते हैं नंबर 4 के ऊपर। लेकिन अब हम चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 4 के ऊपर और नंबर 4 पर आते हैं बिग डॉग रोमन रेंस। तो रोमन रेंस दोस्तों काफ़ी स्ट्रेंथ के धनी है। रोमन रेंस की बात की जाए तो बिग शो को समोअन ड्रॉप लगा चुके हैं टेबल के ऊपर, वहीं रोमन रेंस की स्ट्रेंथ जो है वो कैंसर होने के बाद भी कम नहीं हुई है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है और इन्हीं सभी कारणों के चलते रोमन रेंस आते हैं नंबर 4 के ऊपर। लेकिन अब हम चलते हैं नंबर 3 पर और नंबर 3 पर आते हैं 16-time वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। अब सीना की स्ट्रेंथ की हिस्ट्री लिखी जाए तो उस पर किताबें छप सकती है। सीना की स्ट्रेंथ दोस्तों बहुत ज़्यादा है। सीना ने सबसे ज़्यादा बार बिग शो को चका है और अगर आपको सीना का फिनिशर याद आए तो दोस्तों वो भी वही याद आएगा जब वो बिग शो को अपना फिनिशर पहली बार लगाए थे और
फिनिशर की बात नहीं है, सीना खुद में दोस्तों काफी शक्तिशाली है। सीना दोस्तों जिम में कड़ा पसीना बहाते हैं और इन सभी कारणों से वो आते हैं नंबर 3 के ऊपर। लेकिन अब हम चलते हैं नंबर 2 पर, और नंबर 2 पर आते हैं मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन की स्ट्रेंथ हमने इन बीते 2-3 सालों में आसानी से देखी, यानी कि हर बारी देखी। उन्होंने ट्रक्स को पलटा, उन्होंने बसेस यानी कि एम्बुलेंस को पलटा है, उन्होंने स्टेजेस गिराए हैं। स्ट्रेंथ का प्रदर्शन तो दोस्तों उन्होंने किया ही है, लेकिन बात की जाए WWE से बाहर की, तो WWE से बाहर वो एक स्ट्रॉन्ग मैन रहे हैं जिनका काम ही भारा चखना होता है, जो कि एक स्पोर्ट ही पूरा का पूरा स्ट्रेंथ के ऊपर आधारित है। और इसीलिए दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हैं नंबर 2 के ऊपर। लेकिन अब हम चलते हैं नंबर 1 पर, और नंबर 1 पर आते हैं दोस्तों सभी के प्रिय यानी कि बीस्ट ब्रॉक लेसनर। तो ब्रॉक लेसनर सभी के प्रिय हैं, जिस कारण से उन्हें पसंद नहीं किया जाता वो ये कि वो चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं करते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ वाइज बात की जाए ब्रॉक की, तो ब्रॉक इकलौते ऐसे व्यक्ति है जो कि किसी भी व्यक्ति को जर्मन सुप्लेक्स लगा सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों बिग शो और मार्क हेनरी जैसे बड़े रेसलर्स को F5 लगाए हैं, और उस वक्त उनके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं थी, और इन सभी कारणों से वो आते हैं नंबर 1 के ऊपर पर। दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, तो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्द खैर।